अगर तुम्हें लगता है कि तुमने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और रेस 3 देख के बहुत बड़ा पाप किया है, तो रुको, अभी एक और फिल्म बाकी है, एक धमाकेदार फिल्म जो थिएटर में लिटरली धमाका करके जा रही है, जिसका नाम है जीरो। पूरी फिल्म में अगर कुछ नया है तो वो है बौना शाहरुख खान। मतलब फिल्म मेकर्स ने सारी क्रिएटिविटी शाहरुख खान को बौना बनाने में लगा दी और बाकी सारी चीजें जाए तेल लेने। और अगर तुम्हें लगता है कि फिल्म में कुछ नहीं है तो तुम गलत हो। फिल्म में कॉमेडी है, रोमांस है, ट्रेजेडी है और सबसे बड़ी चीज शाहरुख खान है। अगर कुछ नहीं है तो वो है स्क्रिप्ट। तुम भी शुरू हो जाओ भाई, जब भी मैं शूट करने बैठता हूँ ना इनका काम शुरू हो जाता है, ये कुछ ना कुछ लेके शुरू ही हो जाते हैं और डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। देखो तुम खुद सुनो कितना इरिटेटिंग साउंड है यार, और ऊपर से जब तुम दोबारा वीडियो को शूट करो ना, लिटरली यार मैं एक बार पूरा वीडियो शूट कर चुका हूँ पूरा वीडियो, और मतलब भाई फोकस का ही प्रॉब्लम था पूरी वीडियो में, तो वापस से शूट कर रहा हूँ मैं, और फिर इस तरह की नॉइज आती है ना, तो अब तो चलो शांत हो गया। और स्क्रिप्ट ना होने की वजह से अगर तुम्हें लगता है कि फिल्म छोटी होगी तो नहीं, यहाँ पर भी तुम गलत हो। फिल्म मेरठ से शुरू होती है और सीधा मार्च में जाके खत्म होती है। फिल्म शुरू होती है, सब कुछ सही चल रहा है, एक बौना रईस ज्यादा जिंदगी के असली मजे ले रहा है, और इससे एक बात साबित हो जाती है कि चाहे गेम ऑफ थ्रोन्स हो या बॉलीवुड, जिंदगी के असली मजे ये बौने ही लेकर जाते हैं। फिर हमारा ये बौना रईस ज्यादा अनुष्का के साथ अपना रोमांस शुरू करता है, जो कि अपाहिज है लेकिन साइंटिस्ट है। स्टीफन हॉकिंग, व्हाट अ लेवल ऑफ क्रिएटिविटी मैन। जोक्स असाइड, लेकिन अनुष्का ने कमाल की परफॉर्मेंस किया है पूरी फिल्म में। अरे परफॉर्मेंस को छोड़ो, कोई मुझे ये बताओ कटरीना कब आएगी? आएगी ना, और जैसे ही आएगी हमारा बउआ अनुष्का को छोड़ के सीधा कटरीना के पीछे चला जाएगा। ये हुई ना असली बात। और जब से कटरीना की एंट्री हुई लगा था अब एंटरटेनमेंट आएगा, लेकिन नहीं, अब तो ड्रामा शुरू हो गया था। Yes guys, असली एंटरटेनमेंट तो शुरुआत में ही है, और फर्स्ट हाफ के बाद तो फिर ड्रामा शुरू हो जाता है। लेकिन कोई तो बता दो स्क्रिप्ट का है भाई साहब। कटरीना एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, मतलब टिपिकल बॉलीवुड एक्ट्रेस जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। और जैसे ही कटरीना लात मार के हमारे बउआ को भगाती है, बउआ सीधा पहुंच जाता है मार्श में, वाया अमरीका। मतलब कमाल हो गया। एक वो बौना था जो ड्रैगन्स में घूमता था, और एक ये बौना है जो मंगल की सैर पे निकल गया। मतलब जिंदगी में हम तो झक मारने के लिए ही पैदा हुए हैं। ऑन अ सीरियस नोट गाइज, मूवी का फर्स्ट हाफ काफी एंटरटेनिंग है, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, कॉमेडी से भरा हुआ है, लेकिन फिर ड्रामा शुरू होता है और मूवी इतनी लंबी हो जाती है, मतलब मार्च तक पहुंच गई। भाई साहब आज के जमाने में इतनी लंबी मूवी कौन बनाता है 3 घंटे की, वो भी बिना स्क्रिप्ट के। कमाल है, मतलब मूवी में शाहरुख का स्टारडम है, अनुष्का की एक्टिंग है, और सबसे बड़ी चीज ओम शांति ओम, मतलब इतने सारे कैमियोज है कि ओम शांति ओम की याद आ गई दोबारा से। और कोई चीज अगर मिसिंग है तो वो है दीपिका, भाई दीपिका को भी ले आते, उसी की कमी रह गई थी। और कमाल की बात यह है कि हमें श्रीदेवी भी देखने को मिलती है यार। तो अगर इंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करके जाना, और जो लोग शेयर नहीं करने वाले ना, माता रानी पाप लगाएगी, तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं तुम्हारी। और सब्सक्राइब भी हो जाना चाहिए, लाल कलर का बटन है नीचे नीचे, सब्सक्राइब।